अभी हम आ चुके हैं जस्ट बिग बाजार के बगल में ही एक भूखंड नगरी। तो हम लोगों ने सुना था कि बहुत कम स्पेस में काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस है और यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत डिलीशियस है। तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो गाइज धनबाद में 4th of July को एक बहुत छोटे से प्लेस पर काफी खूबसूरत रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। बाजार के वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगा। काफी कम स्पेस में इन्होंने बहुत वेल डेकोरेट करा है। बहुत बहुत ही वेल डेकोरेटेड है ये। और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इनका इनसाइड काफी। और आप देख सकते हो यहाँ की लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है और वॉल पे इन्होंने जो डिजाइन किया है, स्पेशली इनका गिटार, एक गिटार बजता भी है भाई, बजाने वाला होना चाहिए। तो सामने आप देख सकते हो बहुत सारा ड्रिंक्स है, आप सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हो, मोजिटो ले सकते हो। और मेरे पीछे पापा की परी वाला ये दिख रहा है। हम अभी बैठे हैं भूखंड नगरी में, भूखंड दो पर यहाँ पर वेज सिर्फ मिलता है तो हम वेज ट्राई कर रहे हैं वेज बर्गर। और बाकी हमारे भाई बहुत अच्छे तरीके से वेजिटेरियन बता रहे हैं। बहुत ही छोटे प्लेस पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने डेकोरेट करके रेस्टोरेंट बनाया है। ये कैफे है, रेस्टोरेंट नहीं कहूँगा। और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी आप दिखा सकते हो, ये 2 पीपल के लिए है, वहाँ पर है कुछ उस साइड कॉर्नर पर, तो काफ़ी शानदार है। और स्पेशली कुछ अच्छे पल को अगर स्पेंड करना चाहते हो यहाँ पर तो आप आ सकते हो, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। बिग बाज़ार के काफ़ी नज़दीक है और फोटोग्राफी जिसको पसंद है वो यहाँ फोटोग्राफी करा सकते हो। ऊपर का डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। और आप चाहो तो ये गिटार निकाल करके फोटोग्राफी करा सकते हो इस टाइप का। तो मुझे तो नहीं आता है लेकिन हाँ, आप अगर जानते हो बजाना तो आप बजा सकते हो। फिलहाल मैं रख दे रहा हूँ। तो काफ़ी बेहतरीन रेस्टोरेंट है विथ सम कोटेशन, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। और फिलहाल हम टेस्ट करने वाले हैं, क्या पता नहीं क्या खाओगे अत शाम। ये कुछ लोगों का फीडबैक दिया हुआ है। ये सेल्फी जोन है लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है लड़कियों के लिए, सभी खिंचाते हैं लेकिन मोस्टली पापा की परी को आज बोला है साला तेरी वाली सबसे पहले करेगी। ये देखिए तो हमारा वेज बर्गर बन रहा है, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। ये भाई हमारा वेज बर्गर बना रहे हो और इसका साइज भी वेज बर्गर का काफी बड़ा है। कितना कॉस्ट है भाई, क्या कॉस्ट? 10 रुपीज क्या बर्गर का? ये बर्गर का 60। तो आप देख सकते हो 60 रुपीज में वेज बर्गर है, बाकी जगह से तो काफी नॉमिनल चार्ज है। और ये रेडी होने के बाद इनका टेस्ट देखते हैं और बताते हैं भूखंड नगरी में दो भूखंड आया, हमारा पेट भरता है कि नहीं। बिल्कुल फिर बताएंगे, अगर भर गया पेट तो 60 रुपए में आप भी भूखंड बन जाएंगे। तो हमारा ये बर्गर देख सकते हो 60 रुपीज का, देखने में तो काफी खूबसूरत 60 है ना, ऐसे तो बर्गर आ गया। तो आइए टेस्ट करते हैं, जो वीडियो देख रही है हमारा इसका एहसास कीजिए, मजा लीजिए, खा के मिलते हैं। सच में बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। अच्छा वो हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हो तो हाँ जरूर आए, हाँ वो तो आए, क्योंकि ये बर्गर का टेस्ट काफी अच्छा है, मुंह खुल गया है। अपना भाई। उसके लिए
देखते हैं अभी किस टाइप का तुमको काफी पसंद आ रहा है। बढ़िया बना है यार, मस्त आ रहा है यार। बंदा भी बढ़िया हो, बनाते हैं बढ़िया। स्पेशली इनका वेज बर्गर, मुझे तो लगा था कि नॉर्मल टाइप का वेज बर्गर होगा यार। हम लोग बनाने आए थे शॉर्ट, इस वजह से हम लोगों ने इस वे में बनाया है, पर लगा कि बहुत ही अच्छी जगह है, इसको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाया जाए। सो इस बार हम पूरे धनबाद का हर एक लोकेशन आपको दिखाने वाले हैं, जो बेहतरीन से बेहतरीन छोटे से छोटे में काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया है, वो सब आपको हम दिखाने वाले हैं। इस बार 100 रुपीज़ में दो लोग, 120 रुपीज़ में दो लोग आप भर पेट कर करके अपना पेट भर सकते हैं। जो भूखड़ नहीं भी है, नॉर्मल भूख लगी है, तो वो खा करके मज़ा ले सकते हैं। इनके पास और भी बहुत सारी वैरायटी है, हम वो मेन्यू अपने वीडियो में डाल देंगे, साथ साथ अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी डाल देंगे, तो आप काफ़ी इन्जॉय करोगे इस जगह को। ये बिग बाज़ार आते हो तो छोटे मोटे प्लेस पर अगर आप घूमना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा जगह है। आपको हम दोनों साइड से लोकेशन दिखा दे रहे हैं कि स्पेस कितना है और किस हिसाब से आप बैठ के यहाँ पर अलग छोटे से जगह पर आप दोनों साइड बैठ के खा सकते हो, काफ़ी बेहतरीन जगह है। ये दूसरा स्पेस इनका, यहाँ पर भी आप इन्जॉय कर सकते हो। ये रेस्टोरेंट आपको कैसा लगा, ये लोकेशन आप हमें ज़रूर बताएं, और जब भी बिग बाज़ार आते हैं तो एक बार इसको विजिट करें, देखें कि किस तरह का एम्बियंस इन्होंने बहुत ही छोटे प्लेस पर डेकोरेट करके रखा है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी वेल बिहेवियर वाले, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया इन्होंने हमारा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस टाइप का यहाँ का टेस्ट लगा आपको, और ज़रूर आइएगा।